दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक की, जिसका नाम RMS टाइटैनिक की। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही जहाज को बनाने की शुरुआत होती है। वह साउथैम्प्टन इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ, जो 4 दिन यात्रा के बाद उस रात चांद नहीं था, तारों की कम रोशनी मिल रही थी। मगर अफसोस 11:40 पर जहाज का राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइस बर्फ से टकरा गया। लगातार दबाव के कारण जहाज बीच से टूटकर अलग हो गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में अपनी पहली यात्रा में अटलांटिका महासागर की गोद में समा गया। गाइस, इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जानें गईं। अधिकतर लोगों की जानें -2 डिग्री टेम्परेचर की वजह से गईं। इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक थी। गाइस, अगर आप ऐसे नॉलेज फैक्ट देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।